हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसे दुपट्टा पे, स्लीव्स पे बना सकते हैं और इसके लिए यूज़ कर रही हूँ कॉटन थ्रेड और 90.85 mm की नीडल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नॉट बनाने के बाद यहाँ पे अटैच करना है और इसके बाद दो चेन बनाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया। इसके बाद चार चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया उतने ही गैप पे बनाना है जितना गैप इसमें है। अब दो चेन बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब इसको टर्न कर लेंगे और ये जो चार चेन बनाए थे वो थोड़ा सा गैप हो गया है तो उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 9 बार डबल क्रोशिया बनाना है उसी गैप में। ये 9 बार बन गया। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद दो चेन सिंगल क्रोशिया, फिर दो चेन और उसके ऊपर के गैप में सिंगल क्रोशिया, दो चेन, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से दो चेन बना के हर गैप में सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं दो चेन बनाने के बाद। अब यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया और दो चेन, सिंगल क्रोशिया। अब चार चेन बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, दो चेन, सिंगल क्रोशिया। अब फिर से इसको टर्न करेंगे और ये जो चार चेन वाला गैप है वहां पे 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी तरह हम बनाना है।
यहाँ पे दो चेन बनाना है और उसके पहले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे और उसके बाद दूसरे वाला गैप में सिंगल क्रोशिया, दो चेन, इस तरह से दो चेन बना के हर गैप में सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।